हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। रात बाकी है। ये मूवी जी फाइव पर रिलीज़ हुई है। ओवरऑल लेंथ सिर्फ 1.5 घंटे की है ये मूवी। और कहानी स्टार्ट होती है एक फिल्म एक्ट्रेस वाणी कपूर से, जिसका हो जाता है अपनी ही एंगेजमेंट की रात को मर्डर। अब ये मर्डर किसने किया है? क्या इसके फियांसे कार्तिक शर्मा ने किया है या इसके पीछे कुछ और वजह है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो जैसे कि आपको पता चल गया कि ये हु डन इट के कॉन्सेप्ट पे बना, लेकिन इसको किस तरह से बनाया वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये मूवी में आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी फास्ट पेस ये मूवी चलती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इस मूवी की जो आप लोग फील कर पाओगे, एग्जैक्ट 40 मिनट जब इस मूवी का हो जाता है, तब डायरेक्टर ने एक बहुत ही बड़ी हिंट दी है, जिससे आप लोग ईजिली अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इन सारे चीज़ों के पीछे है कौन। और जो लोग हु डन इट पर बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ देख चुके, तो वो लोगों का मज़ा जो है ना वहीं पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर आप लोग इसीलिए कंटिन्यू करोगे कि आपको देखना है कि भाई इसने वो सारी चीज़ें की कैसे। तो आप लोग समझ रहे हो ना, मैं क्या बोलूँ। अगर मूवी में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छी तरह से हर एक कैरेक्टर को लिखा है। जितना यहाँ पर बताना चाहिए था उतना बताया है। सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो यार, राजस्थान में शूटिंग हुई, आपको तो पता है कि वहाँ के लोकेशंस कितने गजब के होते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े पैलेसेस बताए, और वो जो नाइट में शूट करना, और वो जिस तरीके से ड्रोन शॉट हो, लाइटिंग का यूज़ हो, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे। BGM भी बहुत अच्छा है, वो एक हॉन्टिंग BGM होता है ना, एक वो फील आता है कि आप लोग मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो। तो वो चीज़ आप लोग इसमें डेफिनेटली फील कर पाओगे। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो अनूप सोनी हो, पाउली डैम हो या राहुल देव, तीनों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से बिलीवेबल वे में निभाया। तीनों बहुत ही गजब के एक्टर्स हैं, नो डाउट। एडिटिंग भी बहुत अच्छी है मूवी की, और डायरेक्शन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही लगा मुझे। लेकिन हाँ, इस तरीके की मूवीज़ में जहाँ पर ऑडियंस को गैस करना होता है, तो वहाँ पर आप लोग इतना बड़ा स्पॉइलर नहीं दे सकते यार, पूरी मूवी के बीचों बीच में, जहाँ पर आपकी आधी मूवी बाकी है। तो इस बात का थोड़ा नेक्स्ट टाइम ध्यान दे देना। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो इतना ही कह सकता है कि मूवी के स्टार्टिंग में एक एडल्ट सीन है, वो भी खुल कर नहीं बताया, लेकिन इजीली कोई भी समझ सकता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी उसके अलावा एक एक किसिंग सीन है मूवी में, फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि देखना है या नहीं। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। मेरे हिसाब से ये एक वॉचेबल मूवी है, क्योंकि ये मूवी में आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज देख चुके हो, तो यार आधी मूवी के बाद ही आपका जो मज़ा है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। ज़्यादा अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर भी करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।